मुख्यमंत्री के सख्त निर्देशों के बाद भी विदिशा जिले के कुरवाई तहसील में बेतवा नदी में अवैध रेत उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। राजस्व विभाग द्वारा रेत के अवैध उत्खनन पर कार्रवाई की गई है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अवैध रेत खनन जारी है। जेसीबी से यहाँ रेत का उत्खनन लगातार जारी है और राजस्व विभाग की टीम यहाँ पहुंची है और कार्रवाई शुरू कर दी है। SDM अनिल जैन ने राजस्व निरीक्षक और चार पटवारियों की टीम गठित की है और यहाँ कार्रवाई के लिए टीम को भेजा है। आप देख सकते हैं कि टीम कार्रवाई के लिए यहाँ पहुंची है और लगातार यहाँ रेत का किस तरह से अवैध उत्खनन किया जा रहा है। यहाँ टीम के पहुंचते ही भगदड़ मच गया और वहां 3 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत यहां से जब्त की गई है। वहीं एक ड्राइवर ने टीम को देखते हुए ट्रॉली दौड़ा दी और जंगल में ट्रैक्टर लेकर घुस गया, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने इस पर काबू पाया और ट्रैक्टर को जब्त किया है। वहीं 3 ट्रैक्टर ट्रॉली रेत जो है वहां पर मौजूद पाई गई, वहां पर ट्रॉली में रेत भरी पाई गई है और जिसे टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और धड़ल्ले से ये रेत उत्खनन लगातार जारी है। हालांकि मुख्यमंत्री के सख्त निर्देश हैं इस रेत खनन को लेकर, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री के निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए इस तरह से कुरवाई तहसील में बेतवा नदी में ये रेत का अवैध उत्खनन लगातार जारी है। वहाँ पे ट्रॉलियों के साथ उनके ड्राइवर और कुछ लोग थे, तो जिनके द्वारा जानकारी ली गई, पता चला कि यहाँ पे तो 3 ट्रैक्टर पाए गए हैं जिनमें रेत भर के लेके जा रहे हैं। सूचना प्राप्त हुई थी कि कुरवाई में ईदगाह के आसपास बेतवा पे अवैध उत्खनन चल रहा है। SDM साहब ने निर्देश दिए, टीम गठित की, उसके उपरांत हम लोग वहाँ गए। वहाँ पाया कि 3 ट्रॉली रेत भर के यहाँ कुरवाई लेके आ रहे थे, उस पर हमने कार्रवाई की।